हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेजी डीज ए टू जी। मैं जानता हूँ कि बहुत जल्द अब प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स सभी के स्टार्ट होने वाले हैं हर एक स्कूल में फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। तो इससे पहले कि आप किसी भी तरह के डाउट के शिकार हों या किसी तरह के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को लेके परेशान हों, मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड CBSE के फिज़िक्स के पेपर को एक बार ज़रूर देखें। मैं आज आपके सामने सेट टू फिज़िक्स के पेपर को सामने रख रहा हूँ। ये 2023 का पेपर था। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। अगर आप पेपर को ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसमें आपको सभी जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में दिए जाते हैं। जैसे ये हिंदी में है और जो अगला पेपर है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली दिए जाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। नाउ यू कैन सी द पेपर, दिस इज़ इन हिंदी। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 जो कि MCQ बेस्ड है, तो मैं आपको इंग्लिश वाला वर्जन दिखा देता हूँ इसका। सी, दिस इज़ द इंग्लिश वर्जन ऑफ द पेपर having the MCQ questions 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, and 10, these all are also MCQs, ये भी MCQs हैं। इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, ये fill in the blanks type question आया था, और फिर 1 mark क्वेश्चन आए थे जो कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हम कहते हैं, 16, 17, 18, देन 19, 20, ओके 19 में एक और दिया हुआ है, यानी कि दो क्वेश्चंस हैं, कोई भी एक करना होगा। देन कम्स सेक्शन बी। सेक्शन बी इज ऑफ 2 marks ईच, तो यहाँ पे 21, 22, 23, 24, and 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन 26, 27 में भी फिर से और है, और 26 वाले क्वेश्चन में भी और है, यानी कि ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि 2 marks के हैं। ओके, देन कम्स सेक्शन सी। सेक्शन सी 3 marks का है, यानी कि 28, 29 जिसमें फिर से और है, 30, 31, 32 ये सभी 3 marks के क्वेश्चन हैं। देन कम्स 33, 34, 35 ओके नाउ सेक्शन डी जो कि 35 से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ हैविंग और इन इट, और ये 5 marks के क्वेश्चन हैं। देन कम्स 36 which is again of 5 marks, okay, and then this is the 37th question जो कि फिर से 5 marks का है, और इसमें भी और है। सो आई होप यू हैव सीन द पेपर, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार तैयारी उसी हिसाब से करें पेपर को देखकर, ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही मैं डेफिनेटली गेस पेपर लाऊंगा, जैसा कि मैंने पिछली बार भी गेस पेपर रखा था, और आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जो कि कई लाख व्यूज़ तक मेरे गए थे वहाँ पे भी, और वो गेस पेपर अप्रॉक्सीमेटली सही भी हुआ था। कई बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आया था कि बहुत अच्छा पेपर था सर, हमारा पेपर अच्छा गया, गेस पेपर बहुत अच्छा गया। सो होपफुली मैं इस बार भी ट्राई करूँगा कि आपको फिर से एक नया गेस्ट पेपर के साथ ला सकूँ।